वो गर्मी के दिन थे। गर्मी के कारण सारे पेड़ जंगल में सूख गए थे। पेड़ पर रहे पंछियों की भूख नहीं मिट रही थी। बहुत दूर जाते तभी कुछ मिल पाता था। इतनी मुश्किल घड़ी थी, इसलिए कई पंछियां वहां से निकल चुके थे। पर टोनी गौरैया, चीचू कौवा और लूसी कबूतर वहां से जाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वे तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे, हमेशा साथ रहना चाहते थे। उस पर उन तीनों के बच्चे भी थे। इतनी दूर उन बच्चों को साथ ले जाना बहुत मुश्किल था। उन तकलीफों को झेलते हुए भी वे तीनों वहीं पर रह रहे थे। एक दिन कौवे ने कहा, दोस्तों, हम और कितने समय तक यहाँ पर रहेंगे? एक तरफ बच्चों की भूख और दूसरी तरफ हम भी तो भूखे हैं। इन दोनों के बीच हम सब पिसते जा रहे हैं। अगर हमें कुछ हो गया तो अपने बच्चे लावारिस हो जाएंगे। मुझे समझ नहीं आता क्या करूं। ये कहते हुए वो बहुत दुखी हो रही थी। दोस्त, जितने दर्द में तुम हो, हम भी वही दर्द सह रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है, हम ये कह नहीं पा रहे, पर तुमने कह दिया है। अगर हम यहाँ से चले जाएंगे तो बिछड़ जाएंगे, पर अगर यहीं रहेंगे तो अपने बच्चों के मौत के कारण बनेंगे। क्या करें? पर दोस्त, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम तीनों साथ में ही चले? हम तीनों एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं ना? हाँ दोस्तों, जहाँ पर अपना आहार मिले ऐसी जगह जाना सही होगा, पर परिस्थिति अच्छी नहीं है। जहाँ मिलेगा वहाँ पर ढूंढते हुए जाना पड़ेगा। इस तरह बात करते हुए तीनों उदास हो रहे थे। यूं ही दिन बीते। उन पंछियों की स्थिति अब बहुत दयनीय हो रही थी, इसलिए तीनों फिर से इकट्ठे हुए और बहुत दुखी होकर बात कर रहे थे। दोस्तों, और कुछ दिनों तक अगर हम यहाँ पर रुके तो हमारे ही बच्चों को मार खाना होगा हमें, और ये मैं होने नहीं दे सकती, इसलिए हमें यहाँ से जाना होगा। उन तीनों को अपने ही बच्चों को मार खाने की इच्छा नहीं थी, इसलिए तीनों अपने बच्चों के साथ अलग दिशाओं में चले गए। कुछ एक बरस के बीतने के बाद कबूतर चील के पास पहुंची। दोस्त, मैंने जो तुमसे कहा था वो तुमने किया? क्या मेरे दोस्तों का तुम्हें पता चला? नहीं दोस्त, पिछले कुछ महीनों से मैं इसी काम में लगी हूँ, पर मुझे कहीं भी तुम्हारे दोस्तों का पता नहीं चला। मुझे जैसे ही पता चलेगा मैं तुम्हें बता दूंगी। ठीक है दोस्त, भूलना मत। ऐसा कहकर कबूतर उड़कर वहां से अपने घोंसले की ओर चल पड़ी। दोस्तों, तुम सबसे बिछड़कर आज एक साल पूरा हो गया, पर तुम्हारी यादें मुझसे नहीं जाती। जब भी तुम्हें याद करती हूँ मेरी आंखें नम हो जाती हैं। तुमसे दूर होकर भी तुम्हारी दोस्ती मुझसे कम नहीं हुई है। मुझे पूरा विश्वास है उस भगवान पे, हमें जरूर मिलाएगा। हे भगवान, ऐसा कुछ करो कि मैं अपने दोस्तों से फिर से मिलूं। ये कहकर वो उदास होने लगी। सच्ची दोस्ती कभी खत्म नहीं होती, भगवान हमें जरूर मिलाएंगे। यूं दुखी होकर वह भगवान से जल्दी मिलाने की प्रार्थना करने लगी। दूसरी ओर कौवा भी कहने लगी, दोस्तों, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम दोनों जहाँ भी हो हमेशा खुश रहो, और मुझे विश्वास है हम तीनों जरूर मिलेंगे। भगवान से प्रार्थना करती हूँ वो दिन जल्दी आए। इस तरह वे तीनों अपनी अपनी जगह उदास हो रहे थे। कुछ दिनों बाद चील उड़ती हुई कबूतर के पास आई। दोस्त दोस्त, बहुत अच्छी खबर लेकर आई हूँ। तुम्हारे दोस्त चीचू कौवे के बारे में मुझे पता चला है। कबूतर के खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने कहा, क्या कहा? तुमने सच में बहुत अच्छी खबर लाई है। बताओ मेरे दोस्त कौवा कहाँ पर है? ऐसे बताऊंगी तो पता नहीं चलेगा। तुम मेरे साथ चलो, बताती हूँ। चील के ऐसा कहने पर दोनों उड़ती हुई कौवा के पास निकली। कौवे ने जैसे ही कबूतर को देखा वो बहुत खुश हुई। कैसी हो मेरी दोस्त? इस पूरे बरस में एक भी ऐसा दिन नहीं था जब मैंने तुम्हें और टोनी को याद न किया हो। तुम कैसी हो? तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? मैं तुम्हें क्या बताऊं दोस्त, वहाँ से बिछड़ने के बाद मैंने अपने बच्चे के आहार के लिए बहुत ढूंढा, पर मुझे कहीं भी आहार नहीं मिला। मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे थे। माँ होने पर मैं सिर्फ उन्हें ममता ही दे पाई, पर उनकी भूख नहीं मिटा पाई। हालात इतने बिगड़ गए कि मेरे दोनों ही बच्चे भूख से मर गए। मैं बहुत फूट फूट कर रोई। उसके बाद इस चील की सहायता से मैं बच पाई हूँ। इस तरह लूसी ने बीती सारी बात बताई। उसकी बातें सुन कौवा बहुत दुखी हुई। दुखी मत हो दोस्त, भगवान ने हमारी किस्मत ऐसी ही लिखी है।
इतने में वहाँ पर चील का छोटा सा बच्चा आया। माँ ये सब। उस नन्हे से चील को कवे को माँ बुलाते हुए सुनकर लूसी और चील चौंक गए। ये दोनों मेरे दोस्त हैं, इन्हें नमस्कार करो। उस नन्हे से चील ने सबको नमस्कार किया और माँ से कहकर खेलने के लिए बाहर चली गई। ये चील तुम्हारी बच्ची तो नहीं, ये किसका बच्चा है? कवे ने अपनी बीती बात बतानी शुरू की। एक बरस पहले कवे का बच्चा बीमार हुआ था। माँ अब मैं जिंदा नहीं रहूँगा, मैं जा रहा हूँ, मैं आपको छोड़कर दूर जा रहा हूँ माँ। यूँ वो रोए जा रहा था। तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। ऐसे वो उसे धीरज दे ही रही थी पर वो चल बसी। दोस्त मैं जानती हूँ तुम इस समय बहुत दुखी हो और मेरा ये पूछना बहुत गलत होगा। उस चील ने अपने बच्चे के लिए मेरे मरे हुए कवे को पूछा ताकि वो उसकी भूख मिटा सके। मैं उसे कुछ न कह पाई, मैंने दिल पर पत्थर रखकर अपने बच्चे को सौंप दिया। मेरा बच्चा किसी बच्चे की भूख मिटाने वाला था, शायद ऐसा किसी माँ ने नहीं किया होगा। पर चील ने मुझे धन्यवाद कहा और मेरे मरे बच्चे को ले गई। चील ने अपने बच्चे की तो भूख मिटा दी पर वो खुद भूखी रही। अपने बच्चे की भूख मिटाने पर खुश होकर उसने अपना देह त्याग दिया। मैं जब अपने आहार के लिए निकली थी तब रोती हुई उस नन्हे चील को मैंने देखा। जब मुझे सच्चाई का पता चला तो मैंने उस चील के बच्चे को अपना लिया। इतनी बड़ी होने के बाद भी उस चील की बुद्धि अभी तक मंद ही है, वो छोटे बच्चे जैसी ही है। इस तरह बीती सारी बात बताकर वो दुखी हुए जा रही थी। उसकी बातें सुन, तुमने बहुत नेक काम किया है, पूरी दुनिया में ऐसा किसी माँ ने नहीं किया होगा। तूने जो किया वो सही है या गलत ये फैसला भगवान पर छोड़ते हैं। यूँ जब वो बात कर रहे थे आसमान में टोनी गोरैया बच्चों के साथ उड़ती हुई उन्हें देखकर वहाँ आती है। दोस्तों कितना समय हो गया तुम सबको देखकर, आज मेरी किस्मत तो चमक गई। ये कहकर वो खुशी से सभी के गले लगती है। ये दोनों मेरे बच्चे हैं। वहाँ से निकलने के बाद हमें एक जगह बहुत अच्छा आहार मिला, हम सब खुश हैं। पर तुम दोनों की कमी हमेशा खलती थी। इस तरह पुरानी बातें याद कर वे सभी बहुत दुखी हो रहे थे। पूरे एक बरस बाद सभी मिल गए थे इसलिए सब बहुत खुश थे। लूसी कबूतर छोटू तोता दोनों ही कांटों में फंसी हुई गौरैया को दुखी होता देख हंस रहे थे। मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, ऐसे हंस क्यों रहे हो, मेरी मदद करो। यो रोकर उनसे विनती कर रही थी। वो खुद उन झाड़ियों से बाहर नहीं निकल पा रही थी। उसे पहले ही बहुत सारे कांटे चुभ गए थे जिसका वो दर्द सह रही थी। इतने में वहाँ पर चीचू कौवा आई, तकलीफ में रहे उस नन्हे गौरैया की मदद कर उसे बाहर निकाला। नन्हा सा गौरैया कौवे के गले लगकर रो रहा था। तब कौवे ने गुस्से से कहा, छी तुम दोनों में इतनी भी दया नहीं, एक नन्हा सा पंछी तुम्हारी मदद के लिए गुहार लगा रहा था, ये देखकर तुम हंस कैसे सकते हो, उसकी तकलीफ तुम्हें समझ नहीं आई। इतना कहने पर भी वो दोनों नहीं समझी। हाँ रहने दो, यूँ उसके मुंह पर ही डांटने लगे। उसके बाद कौवे ने उस नन्हे से गौरैया को सावधानी से उसके घर पहुंचाया। अरे मेरा सोना बच्चा कहाँ था, ये शरीर पे इतने घाव कैसे? तब नन्हे गौरैया ने अपनी माँ को सारी बात बताई। चीचू कौवा मेरे बच्चे को बचाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, और साथ में मुझे माफ भी कर देना। तुम्हारी सच्ची दोस्त को ठुकरा कर मैंने कितनी बड़ी गलती की आज मैं समझ गई हूँ। इस तरह उसे माफी मांगने लगी। कौवा कुछ न कहकर वहां से चली गई। कौवा उड़ती हुई अपने घोंसले पर पहुंची। वहां पर उदास बैठी दुखी होकर आंख बंद कर कुछ दिनों पहले बीती बात को याद कर रही थी। टोनी गौरैया और चीचू कौवा बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। उन दोनों की दोस्ती को देखकर लूसी कबूतर और छोटू तोता को बहुत जलन हुआ करती थी। भला इन दोनों में इतनी अच्छी दोस्ती कैसे, गौरैया तो कभी अपनी तरफ मुड़कर भी नहीं देखती। कौवे को मना किया था लेकिन गौरैया भी नहीं आ रही। इसमें कौन सी बड़ी बात है, उन दोनों की दोस्ती को तोड़कर हमारी ओर खींच लेते हैं। वो वैसे तो बहुत छोटी है पर उसके पास आहार बहुत होता है, वो भी हड़प लेंगे। यूँ वो दोनों बात कर रहे थे।
कुछ दिन बीत गए। एक दिन गौरैया कहीं उड़ रही थी। उसे उड़ता हुआ लूसी कबूतर और छोटू तोता ने देखा और उसका पीछा करने लगे। कुछ दूर उड़ने के बाद एक पेड़ की टहनी पर तीनों बैठकर बात करने लगे। दोस्त, भला तुम क्यों उस काले कौवे के साथ घूमती रहती हो? वो काली है और अच्छी भी नहीं, यही सारे पंछियों का भी तो कहना है। भला तुम क्यों हमेशा उसके साथ रहती हो? वो दिखने में भले ही काली हो पर मन की बहुत अच्छी है। वैसे भी दोस्ती के लिए मन देखते हैं, रूप नहीं। तुमने जो कहा वो सच है, पर पता है तुम्हारे बारे में कितनी गलत बातें कही उसने? पर हमने भरोसा नहीं किया क्योंकि हम जानते हैं ना तुम कितनी अच्छी हो। तोते के ऐसा कहने पर टोनी गौरैया ने कहा, क्या कहा? मेरे बारे में कुछ भी गलत कहने की उसे जरूरत क्या पड़ी? यूं वो दुखी होकर पूछने लगी। इसी को सही मौका जानकर दोनों ने सारी झूठी बातें उसे बताई, जिसे सुनकर वो बहुत दुखी हुई। अगली सुबह जब कौवा उससे मिलने आई तो गौरैया ने उसे खूब सुनाया। तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत नहीं, तुम कैसे स्वभाव के हो मैं जान गई हूँ। तुम्हारे रंग को देखकर सब तुम्हें अपमानित करते हैं, ये सोचकर मैंने तुमसे दोस्ती की, पर आज मैं तुम्हारी सच्चाई जान गई हूँ। तुम क्या कहना चाहती हो दोस्त? बिना कुछ बताए इतना सब कहोगी तो मैं कैसे समझूंगी? मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। उस दिन से उनकी दोस्ती खत्म हुई। वे दोनों अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। कबूतर और तोता गौरैया से सारा धान्य चुरा कर ले जाया करते और झूठी दोस्ती का नाटक जारी रख रहे थे। यूं ही दिन बीते। एक दिन अनजाने नन्हा गौरैया झाड़ियों में फंस गया, जिसे देख वो दोनों हंस रहे थे। उसके बाद जो भी हुआ ये जानकर गौरैया दुखी होकर कौवे के पास गई। मुझे माफ कर दो, उन दोनों की दोस्ती में स्वार्थ था लेकिन तुम्हारे दोस्ती में नहीं। सच में मुझसे किसी भी चीज की उम्मीद ना कर तुमने दोस्ती की थी। तुम जैसे अच्छे दोस्त को ठुकराने के लिए मुझे माफ कर दो। ऐसा कहकर उसके गले लग गई। कौवा भी बहुत दुखी हुई। दोस्त, मैं बहुत दुखी हुई थी, पर अच्छी बात यह है कि तुम्हें उनकी सच्चाई पता चली। यूं वो बहुत दुखी हो रही थी। उस दिन से वे दोनों हमेशा की तरह अच्छे दोस्त बनकर रहने लगे। उन दोनों को यह समझ में आया कि झूठी बातों से अच्छे रिश्ते भी बिगड़ सकते हैं।